महाराष्ट्र से मैं सीख के तो चला गया कि गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत किए बगैर राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। और महाराष्ट्र के जो राजनीतिक थे उन्होंने ऐलान कर दिया, 1966 में पहली बार ऐलान किया बॉम्बे में इकट्ठे होकर कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा तो चांगली है पर कामयाब हो शक्त नहीं। 1966 से लेकर 1996 तक मैंने देखा। 1996 तक क्यों देखा? क्योंकि 1996 में मैंने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का रूप दे चुका था। बहुजन समाज पार्टी 1996 में पहली बार राष्ट्रीय पार्टी बनी। 1966 से 1996 तक 30 साल के समय में जो एक मामूली सी बात शुरू हुई थी तो 1996 में मैंने देखा कि महाराष्ट्र में वो लहर बन चुकी है। महाराष्ट्र में वो लहर बन चुकी है और बनकर दक्षिण भारत में छा गई है। जहाँ जहाँ बाबा साहब को मानने वाले लोग थे उन सब के ऊपर वो उसने घर कर लिया है। और वो लहर क्या थी, उस लहर का नाम क्या था कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा तो चांगली है पर कामयाब हो शक्त नहीं। महाराष्ट्र में बच्चा बच्चा चिल्लाने लगा कामयाब हो शक्त नहीं, हो शक्त नहीं। ये आज एक लहर है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र से नीचे दक्षिण भारत में जहाँ से संघर्ष शुरू हुआ, छुआछात के खिलाफ संघर्ष हुआ, पढ़ने लिखने के लिए संघर्ष शुरू हुआ, आरक्षण के आधार पर हमारे लोग आगे बढ़ सकें उसके लिए संघर्ष शुरू हुआ, संघर्ष की लहर बनी। लेकिन 1966 में तो काउंटर लहर शुरू हुई और आज वो टॉप में जा रही है। आज वो टॉप में जा रही है कि हो शक्त नहीं। भाई बच्चा बच्चा महाराष्ट्र में चिल्लाता है कि हो शक्त नहीं। और लकीली जहाँ कोई संघर्ष नहीं हुआ, जहाँ समाज के हित में कुछ भी नहीं हुआ, आज उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूरे उत्तर भारत में एक दूसरी लहर चल रही है। उस लहर का नाम क्या है? हो शक्त है भाई, हो शक्त है।